हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो में हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो माइटोसिस क्या होता है? इट इज द डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। क्या होगा इसमें? दो आइडेंटिकल यानी क्लोन फॉर्म होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो सेम टू सेम फॉर्म होंगे तो क्या होगा इनमें कि सेम अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा, सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम रहेंगे एंड द सेम नंबर्स ऑफ जीन्स एज द पेरेंट सेल। ओके, व्हाट इज माइटोसिस? द डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू डॉटर सेल ईच विद द न्यूक्लियस हैविंग सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, सेम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम एंड द सेम नंबर्स ऑफ जीन्स एज अ पेरेंट सेल। ठीक है, ये हो गया माइटोसिस। तो इसको पहली बार किसने डिस्कवर किया? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट था, इसने पहले डिस्कवर किया माइटोसिस को। और इसको इक्वल डिवीजन भी बोलते हैं बिकॉज द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्मिंग। इसलिए बिल्कुल एक जैसे इक्वल क्लोन फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? इक्वल डिवीजन भी बोल सकते हैं। सो इट इंक्लूड्स द टू इंपॉर्टेंट फेजेस, फर्स्ट इज द कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज द साइटोकाइनेसिस। ओके, सो कैरियोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑकर्स इन द कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज ऑकर इन द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस इज डिवीजन। ओके, तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है, अगेन इट कंसिस्ट ऑफ द फोर फेजेस। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है इनटू द टू आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, अभी यहाँ पे साइटोप्लाज्म पूरा सेल अलग नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस है उसके बारे में। तो इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है कैरियोकाइनेसिस में, सिर्फ इसमें जो डिवीजन हो रहा है वो पूरी तरीके से न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, सो अगेन इट इंक्लूड्स द फोर फेजेस, दैट इज द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, सो लेट सी व्हाट इज द प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है? ओके, प्रोफेज ये जो है, ये फर्स्ट माइटोटिक माइटोसिस सेल डिवीजन है। ठीक है, ये फर्स्ट माइटोसिस फेज ऑफ सेल डिवीजन है। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस अंदर में है, ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियोलस है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन जो क्रोमोजोम जो पहले बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में था, उसको हम क्या बोलते थे? क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन जो पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में था, उसका क्रोमोजोम फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्म होना भी प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है। एक बार मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो जो पहले हमारा न्यूक्लियस था कुछ इस टाइप से था, ठीक है, इस टाइप से न्यूक्लियस था, इसमें थे, इसमें था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एंड दिस इज द थ्रेड लाइक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल, दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हियर देयर इज द साइटोप्लाज्म, दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस वन इज द न्यूक्लियोलस। ओके, और ये है न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, पहले हमारा सेल कुछ इस तरह से था, फिर जब वो ये हो गया नॉर्मल सेल, ठीक है, अब जब ये प्रोफेज में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, सेम सेल वॉल वैसी रहेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये इसकी जो सेल वॉल है ये ऐसी रहेंगी, फिर इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो भी एज इट इज रहेगा। चेंजेस क्या होंगे? ये जो न्यूक्लियस की जो ये आउटर कवरिंग है यानी न्यूक्लियर एनवलप, ये धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा।
धीरे धीरे ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये जो अंदर न्यूक्लियोलस है ये भी धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था तो ये यहाँ पे क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया है ना, कुछ इस टाइप से ऐसे ये बीच में होता है सेंट्रियोल, ये जो होता है ये सेंट्रियोल होता है, और ये जो होते हैं सिस्टर क्रोमेटिन होते हैं। तो इस टाइप से कुछ अभी सिर्फ स्टार्ट हो रहा है, पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोफेज में क्या क्या देखने को मिलेगा कि पोलर ग्रेन्यूल, जहां से ये स्पिंडल फाइबर ये जो क्रोमोसोम है इनको अपनी तरफ जो खींचने वाले हैं, तो यहाँ पे ये पोलर ग्रेन्यूल पहले तो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। देन द डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, देन अगेन द डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड हियर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। पहले जो नॉर्मल सेल था, ठीक है, तो उसने उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म जैसे के वैसे था। जैसे ही प्रोफेज में एंटर हुआ, ये फिगर किसकी है, प्रोफेज की, जैसे ही प्रोफेज में एंटर हुआ तो क्या हो गया कि न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया, देन न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया, पोलर ग्रेन्यूल है वो डेवलप हो गए, एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये होना स्टार्ट हो गया। तो ये सब होता है प्रोफेज में। देन नेक्स्ट इज द मेटाफेज। मेटाफेज किस टाइप से कैरेक्टराइज किया जाता है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरी तरीके से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है वो पूरी तरीके से अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेटाफेज में क्या होता है, हमने प्रोफेज में देखा था कि उसमें जो न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियस है ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब वो मेटाफेज में चले जाता है तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस ये दोनों टोटली कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। देन द क्रोमोजोम बिकम शॉर्टर एंड वेल डिस्टिंक्ट, जो क्रोमोजोम पहले बन रहे थे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम हमने फिगर में लिखा था कि फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है, तो इसमें अच्छी तरीके से फॉर्म हो जाते हैं और वेल डिस्टिंग हम अच्छे से देख सकते हैं उसको। सो ड्यू टू द अपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द माइक्रोट्यूबुल मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज द ट्यूबुलिन, ओके, जो फ्रॉम साइटोप्लाज्म मूव्स इन द सेंटर एंड एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। क्या होता है कि डिसअपियर होने के कारण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने के कारण उसके अंदर जो माइक्रोट्यूबुल था विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज अ ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन से जो बना था, तो उसके वजह से क्या हुआ कि फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के तरफ से वो मूव होना स्टार्ट हो जाता है सेंटर में एंड एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन द क्रोमोजोम फ्रॉम द सेंटर मूव्स टूवर्ड द इक्वेटोरियल, जो क्रोमोजोम सेंटर में थे वो इक्वेटोरियल की तरफ मूव जाते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में, ये सेल वॉल है, तो इसमें न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर हो गया और न्यूक्लियोलस भी कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। ये जो यहाँ पे पोलर ग्रेन्यूल्स थे, ठीक है, ये पोलर ग्रेन्यूल्स पहले हमने देखे थे कि प्रोफेज में फॉर्म हुए थे, और कुछ सिस्टर क्रोमैटिन, ठीक है, तो ये स्टेज में जो सिस्टर क्रोमैटिन है ये कंप्लीटली दिखाई देने लग जाते हैं, इट इज वेल डिस्टिंग, तो कुछ इस टाइप से ये खुद को एग्रीगेट कर लेते हैं ऐसी जगह पे कि सेंटर के तरफ जो क्रोमोजोम सस्पेंडेड थे पूरे न्यूक्लियस में, ठीक है, जो सस्पेंडेड पूरे न्यूक्लियस में सस्पेंडेड थे वो पूरे खुद को एग्रीगेट कर लेते हैं इन द इक्वेटोरियल, ठीक है, बीच से बिल्कुल
बीच में एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पोलर ग्रेन्यूल से जो प्रोटीन, जो साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोट्यूबुल्स विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज द ट्यूबुलिन, तो ये माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं टू दिस क्रोमोसोम। ठीक है, इस टाइप से अपियरेंस आपको मेटाफेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हुआ कि जो ये जो क्रोमोसोम्स थे, ये जो क्रोमोसोम्स थे पूरे सस्पेंडेड थे न्यूक्लियस में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना बराबर एक एग्रीगेशन किया बीच इक्वेटोरियल में, बराबर से ये लाइन में आ गए, और जहां से पोलर ग्रेन्यूल थे वहां से स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। सो द स्पिंडल फाइबर गेट अटैचेस टू द क्रोमेटिन, ये जो क्रोमेटिन था यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या हो गए, अटैच हो गए, एंड द पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम आर पुश देम टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल। ठीक है, क्रोमोजोम ने क्या किया, इनको बराबर इक्वेटोरियल में बीच में बराबर इनको लाके रखा। देन द मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम अपियर्स वी शेप। अब ये कैसे दिख रहे हैं, ये यहाँ से वी शेप में दिख रहे हैं ना, मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम ये कैसे वी शेप में अपियर होना स्टार्ट हो गए। तो ये टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हमको मेटाफेज में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द पोलर ग्रैन्यूल, देन स्पिंडल फाइबर्स, दिस इज द क्रोमेटिड, एंड दिस बिटवीन, ये यहां से जो बीच से जो लाइन जाएंगी ये इक्वेटोरियल। तो ये टाइप से कुछ स्ट्रक्चर हमको मेटाफेज में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज द एनाफेज। सो नेक्स्ट टू द मेटाफेज इज एनाफेज। एनाफेज क्या होता है कि अप अपियरेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो हमने मेटाफेज में देखे थे कि इक्वेटोरियल से, इक्वेटोरियल में जो क्रोमोसोम थे वो इक्वेटोरियल रीजन में थे। ठीक है, लेकिन एनाफेज में क्या, इसको क्या बोल रहे हैं, अप अपियरेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन से जो क्रोमोसोम्स है वो अपसाइड होने लग जाते हैं। ठीक है, अपसाइड स्ट्रेच होने लग जाते हैं, इसलिए इसको अप अपियरेंस बोलते हैं। सो इट इज कैरेक्टराइज बाय द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। ओके, इट इज कैरेक्टराइज बाय द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सेल थे, जो मेटाफेज में पहले इक्वेटोरियल रीजन में जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, जो पहले इक्वेटोरियल रीजन में थे वो स्ट्रेच हो गए, इसलिए इसको अब अपीयरेंस बोल रहे हैं। और जो स्पिंडल फाइबर थे वो यहां से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एनाफेज में जो है, इसमें ये जो सिस्टर क्रोमेटिन है ये पूरी तरीके से वेल डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से वेल डेवलप हो जाते हैं, अच्छी तरीके से दिखने लगते हैं, एंड द सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोजोम स्प्लिट अप टू द लॉन्जिट्यूडनली एंड अलाउ द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये जो पहले सेंटर में अटैच थे ये स्ट्रेच हो गए इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ये स्ट्रेच हो जाते हैं, एंड द स्पिंडल फाइबर स्टार्टेड कॉन्ट्रास्टिंग एंड द डॉटर क्रोमोजोम गेट पुश टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, पहले इक्वेटोरियल में थे ये स्ट्रेच हो गए यहां से, तो ये अपोजिट साइड में पुश हो गए, जो यहाँ पे अपोजिट पोल, ये जो दोनों है ये अपोजिट पोल है, तो ये साइड में ये मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है कि क्रोमोजोम, दिस क्रोमोजोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल, क्रोमोजोम मूविंग्स टू द पोल, पोल के तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन द ये जो बीच में जो फाइबर्स है इनको इंट्राजोनल स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, स्ट्रेच हो जाते हैं और इंट्रा स्पिंडल फाइबर बीच में से इनके फॉर्म हो जाते हैं, ये अपीयरेंस होता है एनाफेज में। देन नेक्स्ट इज द, सो ये जो टीलोफेज है ये लास्ट स्टेज है, ठीक है, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड इट इज अपोजिट ऑफ प्रोफेज। जो प्रोफेज फर्स्ट फेज था कि जिसमें जो क्रोमेट सॉरी जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियोलस था, वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, जो क्रोमेटिन था उससे क्रोमोजोम फॉर्म हो रहे थे, तो इसमें डायरेक्ट हमको अपोजिट देखने को मिलेगा। तो वो किस तरह से कि ये जो न्यूक्लियस है सॉरी ये जो सेल है, ये सेल के अंदर अब दो न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियस, एक से दो न्यूक्लियस होना स्टार्ट हो गया, तो दो न्यूक्लियस टोटली फॉर्म हो गए। देन न्यूक्लियोलस अपियर होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, और जो क्रोमोजोम्स थे, ठीक है, जो सिस्टर जो सिस्टर क्रोमेटिन थे कुछ इस टाइप से थे, तो ये फेज में कुछ इस टाइप से, नॉट कंप्लीटली थ्रेड लाइक बट थोड़ा कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर टीलोफेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने प्रोफेज में क्या देखे थे कि ये जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है, आउटर वॉल जो थी वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही थी, देन न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था उससे क्रोमोजोम फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट अपोजिट हो रहा है। सिर्फ एक डिफरेंस इसमें यह है कि पहले एक न्यूक्लियस था, अभी इसमें दो न्यूक्लियस हो गए, ठीक है, इसमें पहले एक न्यूक्लियस था, दो न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस होने के बाद इसकी सेल वॉल धीरे धीरे यानी न्यूक्लियर एनवलप धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, देन न्यूक्लियोलस धीरे धीरे अपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो सिस्टर क्रोमेटिड थे या फिर क्रोमोजोम्स जो थे उससे फिर से क्रोमेटिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, पहले क्रोमोजोम थे, अभी क्रोमेटिन, मींस यहाँ पे जो इसका सेंट्रोमेरिक जो रीजन था, ठीक है, सेंट्रियोल जो था इसका, वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, डिसअपियर होना स्टार्ट होने के वजह से उसका फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो टेलोफेज में क्या क्या हुआ है कि पहले तो टू डॉटर ओके टू डॉटर न्यूक्लियस, टू डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हुए, देन थिन क्रोमेटिन, एंड दिस न्यूक्लियोलस, देन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमको टीलोफेज में देखने को मिलेगा। सो एंड ऑफ द टीलोफेज क्या होता है कि कंप्लीटली जो सिस्टर क्रोमेटिड था, ठीक है, जो क्रोमोजोम थे वो कंप्लीटली क्रोमेटिन फॉर्म हो जाते हैं यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पूरा फॉर्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस कंप्लीटली यहाँ पे थोड़ा डिसअपियरिंग है, ठीक है, वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं, और टू आइडेंटिकल न्यूक्लियस पूरी तरीके से एक ही सेल के अंदर फॉर्म होते हैं,
लेकिन अभी तक आपने ये देखा होगा कि डिवीजन जो हो रहा है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। पूरी तरीके से जो सेल है वो हमारा अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है। तो पूरी तरीके से जो सेल है वो कब डिवाइड होगा, वो साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, सो इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रोफेज एंड बाय एंड ऑफ द टेलोफेज द न्यूक्लियस इज वेरी डिस्टिंक्ट, ठीक है, अच्छी तरीके से दिखने लग जाता है विद अ स्पेरिकल न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क विद इन इट। ये होता है टेलोफेज में। तो यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड इज द साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस देखे, उसमें चार फेजेस देखे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इन सब फेजेस में क्या हुआ, न्यूक्लियस का कंप्लीटली डिवीजन हुआ। अब सेल किस तरह से पूरा डिवाइड होता है ये देखेंगे। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है एंड द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म। पूरी तरीके से पहले एक सेल था, एक सेल से दो सेल फॉर्म हो जाते हैं, यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ओके, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जनरली इट इज फॉलोड बाय द सॉरी कैरियोकाइनेसिस इज जनरली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो जब तक पूरी तरीके से कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो हमारी जो सेल साइकिल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होंगी। सो दिस बोथ प्रोसेस आर कंपलसरी। अगर कैरियोकाइनेसिस जरूरी है तो साइटोकाइनेसिस भी उतनी जरूरी है। सो इन एनिमल सेल साइटोप्लाज्म स्टार्टेड सेपरेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एट अ लेटरल वॉल फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन। तो किस तरह से डिविजन होता है कि हमने आखिरी टीलोफेज में देखा था कि टीलोफेज के एंड होने तक जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली अपियर हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी कंप्लीटली दिखने लगता है और जो क्रोमोजोम था वो फिर से क्रोमैटिन बन गया। अब ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही हुआ। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, सॉरी साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि यहां से डिवीजन फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन, यहां से डिवीजन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से डिवीजन स्टार्ट होके फिर यहां एक सेल फॉर्म हो जाएगा, और यहां पे एक दूसरा सेल जिसके अंदर खुद का एक न्यूक्लियस होगा। तो ये हो गए आइडेंटिकल, ठीक है, यही प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, माइटोसिस, ठीक है। एक न्यूक्लियस से दो आइडेंटिकल न्यूक्लियस सॉरी एक सेल से दो आइडेंटिकल सेल फॉर्म हो रहे हैं। सेल के साथ साथ न्यूक्लियस भी बिल्कुल जैसे इसमें था वैसे ही इसमें न्यूक्लियस रहेंगे, जैसे इसमें क्रोमोजोम नंबर थे उतने ही इसमें क्रोमोजोम रहेंगे, जैसे इसके जीन्स थे वैसे ही ये वाले सेल के भी जीन्स रहेंगे। तो ये साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कि ये एक डॉटर सेल हो गया, ये एक डॉटर सेल, और ये हो गई इसकी न्यू सेल वॉल, और ये फिर से क्रोमैटिन। ये हो गया न्यूक्लियोलस। तो इस टाइप से जो साइटोकाइनेसिस है वो होता है। तो यहाँ पे ये मियोसिस ये जो सॉरी माइटोसिस ये जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज द मियोसिस।